जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे सारे ड्राइवर जो है एक जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और क्या क्या कुछ है सर जी, पहले किसान, उसके बाद पहलवान और उसके बाद ड्राइवर। आज नहीं तो कल आपका भी नंबर होगा और आपका भी नाम आएगा, आपका भी नंबर आएगा। जो ड्राइवरों को झेलना पड़ रहा है ना, हम देश की आर्थिक व्यवस्था चलाते, सारा कुछ इधर से उधर सप्लाई करते हैं। पारापरी किसी को नहीं छोड़ेगा, हर इंसान को ही लपेटेगा। आज हमारा नंबर है, हर किसी का नंबर आ रहा है। पहले किसान, फिर पहलवान, फिर ड्राइवर, और कल आपका भी नंबर होगा। हम मानते हैं, हम सबका सपोर्ट करते हैं, हर बिल का समर्थन करते हैं, कृषि का विरोध नहीं करते हैं हम। लेकिन जब आप एक चीज बताइए, आप जो व्यक्ति 10,000 रुपए की जॉब कर रहा है, वो महीने में 10,00,000 रुपए सेव कहाँ से कर लेगा? कौन कर लेगा? कोई कर सकता है? मैं या कोई और, कोई भी हो, 10,000 रुपए जॉब कर लेता है? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है किसान के प्रति एक कानून बना था, जो लोग आंदोलन दिया वापस वो कानून करे। क्या लग रहा है, लगातार ये जारी रहेगा कि दो दिन चार दिन? सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है जिसके पास लाइसेंस हो उसको इस चीज का विरोध करना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस उसके पास भी, ड्राइवर वो भी है। केवल हम ट्रक अगर चला रहे हैं तो केवल हम ड्राइवर नहीं है, जो कार चला रहा है ड्राइवर वो भी है, जो रिक्शा चला रहा है उसके पास लाइसेंस बना है ड्राइवर वो भी है, और जो ट्रक चला रहा है ड्राइवर वो भी है, जो ट्रेन चला रहा है ड्राइवर वो भी, ड्राइवर सब है। आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा आएगा। तो मैं ऐसा लग रहा है कि हम रोज वो काम करते हैं, कार कभी कभी लेके निकलते हैं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे विरोध में रहेगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा और आपको भी झेलना पड़ेगा इस मुसीबत को। तो सबको आगे आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ड्राइवर, हम सब ट्रक ड्राइवर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले कर रहे हैं जी। जब कोई पूरा फुल सपोर्ट करेगा ना, जिसका लाइसेंस बना है वो समर्थन करेगा हमारा जी, जी। तो ये कानून वापस होगा और हम वापस करवा के मानेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। एक ड्राइवर संघ है, ड्राइवर का एक संघ बनाए हुए हैं, हमारा ड्राइवर संघ मौजूद रहेगा। अब आखिरी से अंतिम तक हम लड़ते रहेंगे, हम नहीं बख्शेंगे। इससे बेहतर है कि अगर ये हम ड्राइवरी लाइसेंस फाड़ करके हम एक रोजा मजदूरा कर लेंगे, लेकिन हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। अरे सर जी, इतना रिस्क कौन झेलेगा? अच्छा, इसके बाद कानून जो है, अगर ये मोदी सरकार नहीं आपस करते हैं काला कानून, तो ड्राइवर को 1,00,000 रुपया तनख्वाह दे, हम ड्राइवरी करेंगे। तब तो मेरा पैसा जो है जमा होगा, हम 10,00,000 रुपया 10,00,000 रुपया देंगे जी। अगर जो 1,00,000 रुपया परमानेंट करे, हमको जो है सीसीएल मिलाए, हमारे नौकरी मिलाए, जॉब मिलाए, तब हम ड्राइवरी करेंगे। और नहीं तो ये कानून हम लोग को चलने नहीं देंगे। हम लोग ड्राइवर पूरा एकता, हम लोग अपना समर्थन में है कि हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना है हमें, किसी से कोई विरोध नहीं है। छोटी गाड़ियां लोकल की जा रही हैं, हमने बड़ी गाड़ियां अपनी खड़ी कर दी हैं, और यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरने भी नहीं देंगे ना, हम खुद जाएंगे। हमको बड़ी गाड़ी, गाड़ी नहीं चलेगा तो क्या नुकसान होगा देश को? नुकसान ये होगा देश को, आप मुझे ये बताइए, जो भी आवागमन होता है एक राज्य दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में, यहाँ पे नेपाली गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे कई राज्यों से देशों से गाड़ियाँ आती हैं। जब यहाँ पे लेना देना नहीं होगा तो अब उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब फर्क पड़ेगा, सरकार खुद अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। हमारा डिसीजन ये है, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। से अच्छा, जब गाड़ी नहीं चलेगी, साग सब्जी भी बाहर से नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक तो महंगाई भी बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा, और अरे महंगाई बढ़ने छोड़िए, देश देश का ड्राइवर एकता, सर जी सुनो, अगर ड्राइवर एकता हमारा साथ दे दे, केवल 48 घंटे नहीं लगेंगे, मोदी जी या अमित शाह जी या योगी जी, जो भी ये कानून लगा रहे हैं अमित शाह जी, तो उनको वापस लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्राइवर है वो देश की आर्थिक व्यवस्था चलाता है। इस बात को आप समझिए जी, समझ रहे हो? कम से कम 60-70% ड्राइवर है इस इंडिया में अपने जी, जो अपना रोजगार कर रहा है, और इंडिया के बाहर 30% ड्राइवर है अपने इंडिया ही का, विदेशों में है, दुबई में है, कहीं और कहीं कहीं चला रहा है गाड़ी, और इंडिया में भी चला रहा है, अभी ड्राइविंग कर रहा है। अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो आदान प्रदान नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा सिस्टम? वापस करना पड़ेगा ही उनको। देश का जो है महंगाई बढ़ने का कहीं ना कहीं एक संकेत है, क्या कुछ कहिएगा? होना चाहिए ये। हाँ, क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है भाई, ड्राइवर आदमी, गरीब आदमी कहाँ से 10,00,000 रुपया हो लाएगा? हाँ, जिसके पास अगर 10,00,000 रुपया रहता तो बाहर तक कमाने नहीं जाता। हाँ, वो घर में बैठता। हाँ, ये जो कानून बना है ये वापस होना चाहिए। हाँ, वापस होना चाहिए। अभी ड्राइवर है जी सर। हाँ, ये ड्राइवरी भाई सब, मेरा निवेदन है कि जो भी भारत सरकार मेरा भाई बंद किए हैं,
हमारे अनुसार से बहुत अच्छे किए हैं कि हमारे मोदी जी जो भी हैं हमारे पीछे ही बैठेंगे। हम ड्राइवर भाई हैं, अब कितने प्रधानमंत्री हैं हमारे पीछे बैठेंगे और ड्राइवर भाई के समर्थन के आपको चावल नहीं जाएंगे तो जीरा फूल नहीं खा पाएंगे, उस चीज के लिए हम समर्थन है। हमारा ड्राइवर भाई जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। मोदी जी भी जिस गाड़ी से चलते उनका भी एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर के पीछे ही बैठते हैं, बैठते हैं। मोदी जी को भी ड्राइवर को समर्थन में आना चाहिए, आना चाहिए, और जो कानून बना है उसको वापस करना चाहिए, वापस करना चाहिए। और एक्सीडेंट होती है तो 10 लाख कोई दे नहीं पाएगी, न 10 लाख के नौकरी भी नहीं है। हम लोग चलाते हैं तो 12,000-14,000 में वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, टाइम मुश्किल से मिलता है। हम लोग का रंगन चंगन है, हम लोग पढ़ा पढ़ाएंगे नहीं कि नहीं पढ़ा पाएंगे, कि लोग हम कहाँ से भर पाएंगे। हमारा में गलती नहीं है, फिर भी बाइक वाले हैं लाइसेंस फर्जी लेकर के चलते हैं, हम लोग बड़े गाड़ी चलाते हैं। हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि जो कानून किए हैं वापसी ले, ओकरा खातिर हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर कानून वापस नहीं होगा तो ड्राइवरी करिएगा कि नहीं कीजिएगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो फिर क्या कीजिएगा? घर में खेती है, गिराती है, सब ईटा पतल कर लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा। ड्राइवरी नहीं करना है जी? ड्राइवरी करना है कि नहीं करना है? नहीं, अगर वापस नहीं होता है तो वापस करना है। अगर कानून वापस नहीं होगा तो ड्राइवरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं होगा। तो फिर आपका बीवी बाल बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ करेंगे? अपना खेत बाड़ी में कोड़ेंगे और खाएंगे पिएंगे उसी में से। अरे आप मुझे ये बताइए, बीली बच्चा की वजह से हम अगर ड्राइवरी करने लगे हो, बाई चांस कोई भी ड्राइवर होता है, चाहे वो किसी भी कोई भी ड्राइवर छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है उससे, अगर वो उसके जरिए से हादसा हो रहा है तो हादसा जानबूझ कोई ड्राइवर करता नहीं है। नहीं करता, बिल्कुल। हर व्यक्ति कोई भी बाइक चलाने वाला है, टेम्पू चलाने वाला है, ठेला चलाने वाला है, वो क्या करता है अपने जरिए से इंसान को बचाने की कोशिश करता है, चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, लेकिन उसके बाद भी हादसा हो जा रहा है तो वो 10 लाख रुपए भरने की वजह से कौन जेल जाएगा, कौन क्या कर लेगा, मुझे ये आप बताइए। तो इसलिए क्यों ड्राइवरी करनी है? अगर हम लालच में आकर ड्राइवरी करेंगे 10,000 रुपए 15,000 रुपए के चक्कर में, वो 10 लाख रुपए भरने के लिए हमारे पास कहाँ से आएगा? क्योंकि इसमें ड्राइवर मालिक, जो गाड़ी का मालिक है, उसका कोई रोल नहीं है, वो आराम टेंशन फ्री है। अगर कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो आराम से लेटा घर पे हो रहा है, गाड़ी छुटा लेगा ड्राइवर अपना समझे। अभी तक ये था कि ड्राइवर की भी जमानत हो जाती थी, अब ये हो गया है कि ड्राइवर 10 साल के लिए जेल जाएगा, 7 लाख रुपए 5-7 लाख रुपए जुर्माना भरेगा। तो ड्राइवर क्यों नहीं भरेगा सर? केवल 24 आवर्स, अब 24 घंटे केवल ड्राइवर की जिंदगी जी के देखिए कि ड्राइवर की जिंदगी होती क्या है, वो कैसे उठता है, कहाँ खाता है, कहाँ सोता है, कितने दिनों में नहाता है, क्या क्या करता है वो अपनी जिंदगी में। उठा केवल 24 आवर्स रह गए, देख लो कोई भी हो तो उसको समझ में आएगा ड्राइवरी होती क्या है। जी कहाँ से हैं आप? मैं इटावा से हूँ, इलाहाबाद, इटावा यूपी, कानपुर। चले, यूपी कानपुर से हैं और ये गढ़वा में अभी आए हुए हैं क्योंकि इनका जो है ट्रक, मेरा गाड़ी है, हमने साइड में खड़ी करके अपना हमने समर्थन किया है। यहाँ भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके फुल समर्थन में हम हैं, क्योंकि ये कानून, हम भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है, कोई कहीं का भी ड्राइवर हो, मैं भले ही दूसरे राष्ट्र का हूँ लेकिन मुझे समर्थन करना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ जी, बस। और इस उम्मीद में कि ये कानून वापस होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम ड्राइवरिंग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और काम देख लेंगे, फैक्ट्री घर में काम कर लेंगे, लेकिन